हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, ये कंप्यूटर साइंस का डेडिकेटेड क्लास होता है जो कि फुल्ली रिलेटेड करता है किससे, बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली से। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली में कंप्यूटर साइंस की, तो आप बेझिझक जुड़ सकते हैं जीएस टैंक चैनल से और उसको प्रॉपरली फॉलो करके आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जहां पे हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों की प्रैक्टिस कराते हैं। तो बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने किया था एमसीक्यू चैप्टर 11 सोसाइटल इंपैक्ट का। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा क्लास 11 का एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस है वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम बात करेंगे और स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का, और रहेगा ये क्लास हमारा थ्योरी का, क्योंकि पहले थ्योरी करेंगे फिर उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। और एक चीज हम आपको बता दें कि जो वीडियोस आएंगे थ्योरी की वो थोड़ी लंबी वीडियोस रहेगी, यानी कि 1-1.5 घंटा के आसपास का वीडियो रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम हमारे पास कम है और चीजें कवर बहुत ज्यादा करनी है, तो आपको उतना मैनेज करना पड़ेगा। अगर मोबाइल डाटा कम पड़ रहा है तो फिर आप वो एड ऑन पैक्स वगैरह डलवा लीजिए, क्योंकि 1.5 घंटा का वीडियो कम से कम तो रहेगा ही, क्योंकि एक बार में एक थ्योरी पूरा आएगा, अब पार्ट वाइज नहीं आएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक क्लास एक वीडियो में पूरा एक थ्योरी चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। और पूरा सेशन देखने के बाद लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास आज का कैसा लगा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जो कि क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। अब ये कहने का क्या मतलब है, ये कहने का मतलब है कि सिंपली आपको एरर हैंडलिंग की बात हो रही है, एरर हैंडलिंग का, ठीक है। किसका बात हो रहा है, एरर हैंडलिंग का। जो भी आप एरर है, जो भी एरर आपके प्रोग्राम में आ रहा है, उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, उसके बारे में ये है पूरा चैप्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया चैप्टर का नाम, लेकिन हम लोग अब देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि हमेशा पढ़ते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में। फिर पढ़ेंगे सिंटैक्स एरर, फिर एक्सेप्शन, बिल्डिंग एक्सेप्शंस, रेजिंग एक्सेप्शंस, हैंडलिंग एक्सेप्शंस और फाइनली क्लॉज। तो ये टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन। उससे पहले ये नाम आपको पता होना चाहिए, बिजार्ने स्ट्रॉटस्ट्रब। ये कौन थे, ये है फादर ऑफ C++, या फिर बोले तो फाउंडर ऑफ या डेवलपर ऑफ C++, ठीक है। पप्पा हैं ये C++ के, जो भी बात इन्होंने कहा है वो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि समटाइम्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ पाइथन प्रोग्राम द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट बट जनरेट्स अनएक्सपेक्टेड आउटपुट और बिहेव्स एबनॉर्मली। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सही से एग्जीक्यूट कभी कभी नहीं हो पाता, या तो वो बीच में ही फंस जाता है या फिर पूरा लास्ट में कुछ दिक्कत कर देता है, वो सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। उस केस में क्या है कि कभी कभी ये अनएक्सपेक्टेड आउटपुट, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वैसा एरर या फिर आउटपुट आपको जनरेट कर देता है, या वो सही से काम नहीं करता है, बिहेव नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, एबनॉर्मल बिहेव करता है, ठीक है। दीज अकर When there are syntax error, ये कब हो सकता है, जब syntax error हो, run time error हो या फिर logical error हो, ये सब types of error हम लोग पढ़े class 11 में, ठीक है। In Python exceptional are errors, देखिए exceptions क्या है, error है, इसलिए मैंने आपको यह बताया था कि exception handling में क्या है, error handling पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग error को handle करते हैं, ठीक है। तो exceptions क्या है, error है that get triggered automatically, जो कि automatic trigger हो जाता है। However, exceptions can be forcefully triggered, और किसी किसी केस में क्या है कि exception को forcefully trigger भी किया जाता है and handled through program code, और program code के end से वो handle भी किया जाता है। तो इस chapter में हम लोग क्या पढ़ेंगे, simply exception handling in Python program, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ clarity आपको मिल गई होगी कि ये होता क्या है और हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि इसमें थ्योरी पार्ट पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, इसमें हम मैक्सिमम लाइंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लाइन स्किप करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपके लिए साबित हो सकता है,
लेकिन घबराना नहीं है, हम आपको प्रोग्राम्स को भी समझाएंगे अच्छे से और थ्योरी को तो समझाएंगे ही समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं किस पे, सिंटेक्स एरर पे, कि सिंटेक्स एरर क्या होता है। तो सिंटेक्स एरर आर डिटेक्टेड व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। देखिए सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है सेट ऑफ रूल्स या ग्रामर, जैसा हमने पढ़ा है पहले, सेट ऑफ रूल्स या ग्रामर। तो ऑब्वियस ही बात है कि सिंटेक्स एरर कब आएगा, जब हम सिंटेक्स को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके रूल को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर ग्रामर को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस केस में क्या आएगा, आपको सिंटेक्स एरर डिस्प्ले हो जाएगा। एंड दीज एरर्स आर आल्सो नोन एज पार्सिंग एरर। इसका दूसरा नाम क्या है, अगर सिंटेक्स एरर का दूसरा नाम क्या है, पार्सिंग एरर। ये सब छोटा छोटा चीजें आप ध्यान में रखेंगे, पार्सिंग एरर, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर है। ऑन एनकाउंटरिंग अ सिंटेक्स एरर द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अनलेस वी रेक्टिफाई द एरर। ऑब्वियसली बात है कि अगर एरर आपको आ जाता है तो इंटरप्रेटर को पावर नहीं है कि उसको आगे एग्जीक्यूट करे उस प्रोग्राम को। तो उस केस में क्या है कि आपको एरर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस एरर को सेव करके, मतलब उसको एरर को हटाना पड़ेगा वहां से और फिर रीरन द प्रोग्राम, और फिर प्रोग्राम को आप दोबारा चला देंगे तो वो सही से हो जाएगा, ठीक है। व्हेन अ सिंटेक्स एरर इज एनकाउंटर्ड व्हाइल वर्किंग इन सेल मोड, सेल मतलब इंटरप्रेटर पता है, पाइथन डिस्प्लेस द नेम ऑफ द एरर एंड ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट एरर एज शोन इन फिगर। कभी कभी क्या होता है कि जब सिंटेक्स एरर दिखाता है, जब सिंटेक्स एरर मिल जाता है आपको, जब आप काम कर रहे हैं सेल मोड या इंटरप्रेटर मोड में, तो पाइथन क्या करता है कि उस समय आप उसका एरर का नाम डिस्प्ले कर देता है और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी बता देता है उस एरर के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि कर दिया मार्क्स ग्रेटर देन 20, मार्क्स 10 दे दिया है, ठीक है, और इफ ग्रेटर देन 20 प्रिंट गुड स्कोर। तो इसमें क्या है कि आपको पैरेंथेसिस मिसिंग है, ये आपको डिटेल्स में सिंटैक्स एरर दे दिया, इसमें क्या है पैरेंथेसिस मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट एरर एंड सजेशन टू रेक्टिफाई इट। कभी कभी क्या होता है कि एक डायलॉग बॉक्स में भी आपको मिल जाता है एरर, अगर आप स्क्रिप्ट मोड में चला रहे हैं तो डायलॉग बॉक्स में एक मिल जाएगा और स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी उसके बारे में आपको मिल जाएगा। आप बस बातों को ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है, जैसा पहले करते आए वैसे ध्यान से बातों को सुनते रहिए, हम एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। यही आपका क्या है, यही आपका एरर डायलॉग बॉक्स है, क्या है ये, एरर डायलॉग बॉक्स है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की, अब हम लोग किससे बात करेंगे, एक्सेप्शन की। तो इफ अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट देयर माइट अराइज एन एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अगर आपका स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन सिंटैक्स के रूप से सही है या फिर बोले तो सिंटैक्टिकली सही है, लेकिन फिर भी कुछ चांसेस हैं कि आपको एक्सेप्शन जो एरर है, एक एरर है वो अपीयर हो जाए एग्जीक्यूशन के समय, ठीक है, चांसेस इसके हैं, देयर माइट अराइज एन एरर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप ऐसे फाइल को ओपन करने के ट्राई कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर जीरो से आप डिवाइड कर रहे हैं, ये सब अगर हरकत आप करेंगे तो क्या होगा, एरर मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है कि सच टाइप्स ऑफ एरर माइट डिस्क्रिप्ट द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड आर कॉल्ड एक्सेप्शन। और वही सबको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो एन एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर। तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है, एरर, ठीक है। व्हेन एन एरर अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एन एक्सेप्शन इज सेड टू हैव बीन रेज्ड। अगर कोई एरर के दौरान, अगर कोई एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आ रहा है, ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूशन के दौरान अगर एरर आ रहा है तो एक्सेप्शन कहा जाएगा कि उसको रेज कहा किया गया है, यानी कि एक्सेप्शन इज सेड टू बी हैन रेज्ड, यानी कि ये कहा जाएगा कि एक्सेप्शन को रेज किया गया है, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर है। सच एन एक्सेप्शन needs to be handled by programmer। और ये जो exception आएगा उसको handle कौन करेगा, programmer करेगा, यानी कि अगर error आ रहा है तो उसको ठीक कौन करेगा, programmer का काम है। वही बात यहाँ पे
कहा गया है, सो दैट प्रोग्राम डज नॉट टर्मिनेट एबनॉर्मली। अगर उसको रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा तो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसीलिए उसको रेक्टिफाई करना है ताकि जो आपका प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो, स्टॉप नहीं हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर यहाँ पे आपको और सिंपल में समझना है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अगर एक्सेप्शन आ रहा है, अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो कोड को सही करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो कोड को सही करना पड़ेगा। कंक्लूजन तो यही निकल रहा है इतना पढ़ने के बाद, है कि नहीं? देयरफॉर व्हाइल डिजाइनिंग अ प्रोग्राम, ए प्रोग्रामर मे एंटीसिपेट सच इनॉर्मस सिचुएशन दैट मे अराइज ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन एंड कैन एड्रेस देम बाय इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल दैट एक्सेप्शन। अगर प्रोग्रामर प्रोग्राम कर रहा है तो उस केस में क्या है कि प्रोग्रामर मे एंटीसिपेट सम इनॉर्मस सिचुएशन, कुछ ऐसा फॉल्टी सिचुएशन आ जाएगा, कुछ ऐसा गलत सिचुएशन आ जाएगा जिसके समय आपको वो एक्सेप्शन मिल जाता है, तो आपको बस उस एप्रोप्रिएट कोड के हेल्प से उस एक्सेप्शन को हैंडल करना है। ठीक है, और पूरा का निष्कर्ष हम आपको एक लाइन में यहाँ पे लिख दिए हैं। लिखा तो बहुत रहता है लेकिन हम पूरा का निष्कर्ष आपको हम एक लाइन में लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज टू बी नोटेड दैट सिंटेक्स एरर शोन एट फिगर जो भी है आल्सो एन एक्सेप्शन। जो सिंटेक्स एरर क्या है, एक्सेप्शन है, बट ऑल द एक्सेप्शन आर जनरेटेड व्हेन प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। और एक्सेप्शन तब जनरेट होता है जब आपका प्रोग्राम जो है वो सिंटेक्स के फॉर्म में करेक्ट है तब। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट पूरा क्लियर है, समझ में आ गया है? तो अब बात करते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन का, यानी कि इसमें दो के बारे में पढ़ेंगे, एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन और बिल्ट इन एक्सेप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिल्ट इन एक्सेप्शन का, जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शंस आर यूजुअली डिफाइंड इन कंपाइलर इंटरप्रेटर, दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ऑलरेडी कंपाइलर या इंटरप्रेटर में डिफाइन किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, बिल्ट इन, यानी कि पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि ये बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी है, तो वो क्या रहता है, प्री इंस्टॉल्ड रहता है, यानी कि पहले से वहां पे प्रेजेंट रहता है। Python's X standards library is an extensive collection of built-in exception that deals with commonly occurring errors by providing the standardized solution for such errors. देखिए, Python के पास एक rich library होता है, ये बात हमने 11 क्लास में पढ़ा था। तो उसके पास क्या है, extensive collection of inbuilt exception, यानी कि बहुत vast collection है उसके पास, जो कि किससे deal करता है, जो कि deal करता है जो normal errors आते हैं, common errors आते हैं, जिसको exception बोलते हैं, उससे वो डील करता है। ठीक है, ऑन द अक्रेंस ऑफ एनी बिल्ट इन एक्सेप्शन द एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हिच डिस्प्लेस द रीजन अलोंग द रेस्ट एक्सेप्शन नेम। और ऑब्वियस सी बात है कि जब ऐसा होता है, यानी कि जब अक्रेंस होता है बिल्ट इन एक्सेप्शन का, तो आपको एक सेपरेट सा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है कि कौन सा एरर है आपका, तो फिर प्रोग्रामर उसको क्या करेगा, करेक्ट करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब देखते हैं कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको VVI है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ये सब तो हमको आपको थ्योरेटिकली बता दिए, जो आपको लिखा हुआ है हम आपको समझा दिए, लेकिन ये सब जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले आपका क्या, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर कब आता है, जब एरर सिंटेक्स में कोई एरर होता है तब आता है, यानी कि जो आपका ग्रामर का रूल्स वगैरह है वो सब जब गलत लिखा जाता है उस समय, यानी कि सिंटेक्स क्या है मैंने आपको बता दिया है, सेट ऑफ रूल्स या ग्रामर, यही है ना। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, रूल्स रेगुलेशन आप गलत डाल रहे हैं, तो उस केस में क्या आ जाएगा, सिंटेक्स एरर आएगा। अगला है आपका वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आएगा, इट इज रेस्ड व्हेन बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन रिसीव्स एन आर्गुमेंट दैट हैज राइट डेटा टाइप बस मिस मैच्ड इन अप्रोप्रिएट वैल्यू। डेटा टाइप तो सही है लेकिन उसका जो वैल्यू आप डाल रहे हैं वो इन अप्रोप्रिएट है, गलत है, इसलिए वैल्यू एरर है। ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू गलत है, वैल्यू एरर आ रहा है। अगला है आईओ एरर, यानी इनपुट आउटपुट एरर। ये कवरेज होता है व्हेन फाइल स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन।
जो भी उसका फाइल है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो फाइल है वो करप्ट फाइल हो सकता है या फिर फाइल नॉट अवेलेबल, फिर भी आप उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, है नहीं फिर भी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट एरर आपको मिल जाएगा। अगला है आपका कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। इस केस में क्या होता है, इट इज रेज्ड व्हेन यूजर एक्सीडेंटली हिट्स डिलीट और ESC की व्हाइल एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम का और गलती से आपसे डिलीट या ESC बटन टिप आ जाता है, बटन प्रेस हो जाता है, तो उस केस में क्या आता है, कीबोर्ड इंटरप्ट आ जाता है, ठीक है। अगला है इंपोर्ट एरर। इसमें क्या होता है कि इट इज रेस्ट व्हेन रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डिफिनेशन इज नॉट फाउंड। जो मॉड्यूल डिफिनेशन जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है वो मिल ही नहीं रहा है, वो मॉड्यूल ही नहीं मिल रहा है, तो इंपोर्ट क्या करेगा, तो उस केस में इंपोर्ट एरर आ जाएगा। अगला है EOF एरर, यानी कि एंड ऑफ फाइल एरर। एंड ऑफ फाइल एरर इस केस में क्या होता है कि इट इज रेस्ट व्हेन एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रेस्ट विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय इनपुट। अगर ऐसा कंडीशन है कि पूरा फाइल के एंड तक पहुंचने वाला कंडीशन आ गया है, ठीक है, बिना विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय इनपुट, बिना डेटा को रीड किए हुए, ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, एंड ऑफ फाइल एरर। अगला है जीरो डिवीजन एरर। जीरो से आप डिवाइड कर दिए, अरे कुछ ज्यादा है, एक मिनट, जीरो से आप डिवाइड कर दिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा। अगला है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर कब आएगा, जब आपका इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट सीक्वेंस में नहीं है, आउट ऑफ रेंज है, उस केस में, ठीक है। नेम एरर, जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल वो सही से डिफाइन नहीं किया गया है, इस केस में क्या आ जाएगा, नेम एरर आ जाएगा। इंडेंटेशन एरर, जब आपका करेक्ट इंडेंट नहीं है, माने कि करेक्ट इंडेंटेशन आपका नहीं दिया हुआ है कोड में, उस केस में इंडेंटेशन एरर। अगला टाइप एरर, टाइप सही नहीं दिया हुआ, यानी कि इनकरेक्ट डेटा टाइप दिया हुआ है, स्ट्रिंग की जगह इंटीजर भर दिए, इंटीजर की जगह फ्लोट भर दिए, कुछ कुछ भर दिए, टाइप एरर आ जाएगा। ओवरफ्लो एरर, इस केस में क्या होता है कि रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट फॉर न्यूमेरिक डेटा टाइप। जो कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो मैक्सिमम का भी लिमिट पार कर जाता है, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है, एक्सीड्स पार कर जाता है फॉर न्यूमेरिक डेटा टाइप, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। तो ये आई होप कि ये 12 जो आपका एरर है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है छोटा सा, उसमें भी देख लेते हैं। जो एक फिगर है वो क्या क्या दिखा रहा है, जीरो डिवीजन एरर, नेम एरर और टाइप एरर, आइए देखते हैं। पहला क्या है कि जीरो से भाग दे दिया तो जीरो डिवीजन एरर। दूसरा क्या है कि वेयर प्लस 40, वेयर इसका डिफाइन किया हुआ ही नहीं है तो नेम एरर दे देगा सिंपली। फिर हो जाएगा 10 प्लस 5, ये 10 आपका इंटीजर है और ये 5 स्ट्रिंग कर दिया तो गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये टाइप एरर, डेटा टाइप गलत है आपका। समझ में आ गया बात, क्लियर है यहां तक। अ प्रोग्रामर कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन टू सूट वंस रिक्वायरमेंट, दिस आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बिल्ट इन एक्सेप्शन, अब क्या है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ये होता क्या है कि प्रोग्रामर जो है वो कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यानी कि अपना तरफ से जो भी एक्सेप्शन है उसको क्रिएट कर रहा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। और इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन नेक्स्ट सेक्शन। तो अगला टॉपिक आता है आपका रेजिंग एक्सेप्शन। आई होप कि ऊपर वाला सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आप एकदम ध्यान से बातों को सुनते रहिए, जो जो मार्क कर रहे हैं वो सब का ध्यान रखिए, अगर कुछ दिक्कत आपको हो रहा है तो आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम तो टाइम बचाने के लिए इस फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। रेजिंग एक्सेप्शन, इसमें क्या होता है कि इच टाइम एन एरर इज डिटेक्टेड इन अ प्रोग्राम द पाइथन इंटरप्रेटर रेजेस एन एक्सेप्शन। ऑब्वियस ही बात है कि जब भी कुछ एरर आता है प्रोग्राम में, एरर डिटेक्ट होता है, तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक्सेप्शन को रेज करता है या एक्सेप्शन को थ्रो करता है, ठीक है। प्रोग्रामर कैन ऑल्सो फोर्सफुली रेज एक्सेप्शन इन अ प्रोग्राम यूजिंग रेज एंड एसर्ट स्टेटमेंट। अगर प्रोग्रामर चाहता है तो वो फोर्सफुली भी एक्सेप्शन को रेज कर सकता है प्रोग्राम में, कौन कौन स्टेटमेंट के हेल्प से, एक है आपका रेज स्टेटमेंट, ये ध्यान में रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक है रेज स्टेटमेंट और एक है एसर्ट स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो क्या क्या पढ़ना है हमें, रेज एंड एसर्ट स्टेटमेंट।
वंस एन एक्सेप्शन इज रेज्ड नो फर्दर स्टेटमेंट इन करेंट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। एक बार अगर एक्सेप्शन रेज हो जाता है तो उसके आगे नो फर्दर स्टेटमेंट इन करंट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड, कोई भी अगला स्टेटमेंट जो है सो एग्जीक्यूट नहीं होता है जो भी आपका करंट ब्लॉक ऑफ कोड है उसमें, ठीक है। सो रेजिंग एन एक्सेप्शन इन्वॉल्व्स इंटरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम एंड जंपिंग टू द पार्ट ऑफ प्रोग्राम व्हिच इज रिटन टू हैंडल सच एक्सेप्शनल सिचुएशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्सेप्शन रेज हो रहा है तो आप जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का उसको क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, उसको आप रोक रहे हैं वहां पे। एंड जंपिंग टू दैट पार्ट ऑफ प्रोग्राम, और आप उस पार्ट पे जंप कर रहे हैं जहां पे आपका एक्सेप्शनल सिचुएशन जो है वो लिखा हुआ है उसको हैंडल किया जा रहा है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? तो अब आते हैं द रेज स्टेटमेंट पे। क्या है द रेज स्टेटमेंट, इसमें होता क्या है? तो द रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। अभी हमने पढ़ा है कि दो तरीके से एक्सेप्शन थ्रो होता है, रेज और एसर्ट। तो ये भी एक तरीका है रेज, जिसमें का सिंटेक्स क्या है, रेज एक्सेप्शन नेम फिर ऑप्शनल आर्गुमेंट, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि वेन एन एक्सेप्शन इज रेज्ड एज सोन The message oops an exception has occurred is displayed along with a brief description in the error। जैसे देखिए यहाँ पे रेज एक्सेप्शन और यहाँ पे क्या oops an exception has occurred, तो क्या कर दिया ये आपको एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कर दिया है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। जो कि बॉक्स किससे रिलेटेड है, यूज ऑफ रेज स्टेटमेंट टू थ्रो एन एक्सेप्शन, रेज के थ्रू एक्सेप्शन थ्रो कराया जा रहा है, ठीक है। The error detected may be built-in exception or may be user-defined one। दो तरह का हमने पढ़ा है, क्या क्या, एक है built-in exception, built-in EX, और एक है user-defined, user-DEF-EX। दो तरह का हमने पढ़ा है, तो जो भी exception आएगा वो कौन कौन सा हो सकता है, वो या तो built-in होगा नहीं तो user-defined होगा, यही दो तरह का हो सकता है ना। तो given in figure that uses the raise statement to raise a built-in exception called index error। एक मिनट, देखिए क्या है ना कि consider the example given in figure 1.6, 1.6 आगे है, ये 1.6 है आपका, that uses raise statement to raise a built-in exception। और इसमें क्या है कि आपको रेज स्टेटमेंट का यूज किया गया है बिल्ट इन एक्सेप्शन को रेज करने के लिए, और उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं इंडेक्स एरर, ठीक है। जैसे देखिए इसमें इसका थ्योरी पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लिस्ट नंबर्स एंड इंडेक्स एरर एक्सेप्शन विल बी रेज्ड, द स्टेटमेंट फॉलोइंग द रेज स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, सो The message no execution will not be displayed in this case। जैसे आप इसको समझिए, यहाँ पे आपको नंबर दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर दे दिया है, उसके नीचे आपको लेंथ दे दिया है, नंबर में दे दिया है 40, 50, 60, 70 और लेंथ दे दिया है क्या 10, और कहा गया है कि इफ लेंथ इज ग्रेटर देन लेन नंबर, 1, 2, 3, 4, 4 है यहाँ पे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि 10 इज ग्रेटर देन 4, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, बोल सकते हैं क्या है कि कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा कि रेज इंडेक्स एरर, उस केस में आपको रेज करना है इंडेक्स एरर, प्रिंट नो एग्जीक्यूशन, फिर एल्स प्रिंट लेंथ। अब इस केस में क्या है कि आपको रेज करवा रहे हैं आप इंडेक्स एरर को, तो रेज इंडेक्स एरर, ठीक है। यहां पे क्या है कि स्पेसिफाई किया गया है साफ साफ, यहां पे क्या है कि स्पेसिफाई specified to raise index error, यहाँ पे साफ साफ specify किया गया किस चीज के लिए कि अगर condition आपका true है तो index error को raise कराने के लिए, ठीक है, यहाँ तक बात clear है? तो इसी बात को लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि आपने ये पढ़ा होगा तो आपको समझ नहीं आया हो, तो यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है कि इन एडिशन टू एरर मैसेज पाइथन आल्सो डिस्प्लेस अ स्टैक ट्रेस मैप।
जो आपका एरर मैसेज है वो तो डिस्प्ले हो गया, और साथ साथ क्या डिस्प्ले कर दिया गया, ट्रेस बैक एरर। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, रेज स्टेटमेंट की। इसके बाद बात करेंगे हम लोग दूसरा, जो कि क्या है, एसर्ट स्टेटमेंट। रेज हो गया हमारा, अब बात करते हैं एसर्ट स्टेटमेंट की। तो एन एसर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू टेस्ट एन एक्सेप्शन इन द प्रोग्राम कोड। सिंपली जो एसर्ट स्टेटमेंट है पाइथन में, उसका यूज किसके लिए किया जाता है, टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन को पाइथन कोड में टेस्ट करने के लिए। सिंपल इज दैट, इफ द रिजल्ट आफ्टर टेस्टिंग कम्स फॉल्स, यदि टेस्टिंग के बाद आपका रिजल्ट फॉल्स आता है तब एक्सेप्शन को रेज कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज जनरली यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ फंक्शन और आफ्टर फंक्शन कॉल। और जनरली क्या है कि इस स्टेटमेंट का यूज जो है वो फंक्शन के शुरुआत में होता है या फिर फंक्शन कॉल के बाद होता है, टू चेक वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट को चेक करने के लिए। यही बात करते हैं इस एसर्ट स्टेटमेंट के सिंटेक्स का। तो सिंटेक्स है एसर्ट एक्सप्रेशन और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे जो इसका सिंटेक्स है वो। पाइथन इवेलुएट्स द एक्सप्रेशन गिवेन इमीडिएटली आफ्टर द एसर्ट कीवर्ड। एसर्ट कीवर्ड के बाद क्या होता है ना कि पाइथन जो है आपका वो तुरंत इवेलुएट कर देता है एक्सप्रेशन को। ठीक है, और अगर एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है तब क्या होगा, एन एसर्शन एरर एक्सेप्शन इज रेस्ट। आपका एसर्शन एरर एक्सप्रेशन जो है, सॉरी एक्सेप्शन जो है वो रेस्ट कर दिया जाएगा, विच कैन बी हैंडल्ड लाइक एनी अदर एक्सेप्शन, वो बाकी एक्सेप्शन के जैसा उसको हैंडल किया जाएगा। किसको, एसर्शन एरर एक्सेप्शन को। ठीक है, अब आइए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं हम यूज किसका, एसर्ट स्टेटमेंट का। हमने ऊपर देखा रेज स्टेटमेंट का, अब देखते हैं एसर्ट स्टेटमेंट का। देखिए सबसे पहले प्रिंट करा देना है यूज ऑफ एसर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिफाइन किया गया है किसको, निगेटिव चेक नंबर्स। एसर्ट यदि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तब उप्स निगेटिव नंबर। ठीक है, प्रिंट नंबर इंटू नंबर, प्रिंट निगेटिव चेक 100, प्रिंट निगेटिव चेक -350। अब देखिए यहां पे क्या है कि सबसे पहले तो यूज ऑफ एसर्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे चेक किया, ये 100 को चेक किया कि ये निगेटिव है कि नहीं, तो ये निगेटिव नहीं था, तो निगेटिव नहीं था तो क्या किया, नंबर इंटू नंबर को प्रिंट करा दिया। तो अगर 100 × 100 करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगला बार में क्या किया कि जब -350 को ये चेक कर रहा था निगेटिव, तो ये निगेटिव निकल गया, यानी कि कंडीशन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपको एसर्शन एरर मिल जाएगा, उप्स निगेटिव नंबर, दिख रहा है ना, यही बात समझ में आ गया। आई होप ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। बस आप प्रोग्राम को ध्यान से एक बार देख लीजिए, हम समझा दिए हैं, इससे आपका बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा इससे। ठीक है, आगे आते हैं। इन द कोड एसर्ट स्टेटमेंट चेक्स फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर। एसर्ट स्टेटमेंट क्या चेक करता है, वेरिएबल नंबर के वैल्यू को। ठीक है, इन केस द नंबर गेट्स निगेटिव वैल्यू, एसर्शन एरर विल बी थ्रोन। वही हुआ जैसे -350 था, ये चेक किया निगेटिव है कि नहीं, तो ये निगेटिव है, तो क्या किया, एक्सेप्शन एरर, एसर्शन एरर उसको थ्रो कर दिया, एंड सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूट, फिर जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट आपका नहीं हुआ। तो ये जो हमें मिला है आउटपुट, इसी का ये थियोरेटिकल फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप कि इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने आपको समझा ही दिए कोड क्या है, ये आपका कोड है, इसका जो आउटपुट है सो है, और इसी को लिखे हुए है थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन में। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका हैंडलिंग एक्सेप्शन। क्या है, हैंडलिंग एक्सेप्शन। अब देखिए, इच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर टू अवॉइड प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग एब्रप्टली। ऑब्वियस ही बात है कि एक्सेप्शन क्या है, एक एरर होता है, अब उसको प्रोग्रामर्स को हैंडल करना पड़ता है एक्सेप्शन को, जस्ट टू अवॉइड द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग। आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं कर जाए, कुछ और उसमें दिक्कतें ना आ जाए, इसके लिए प्रोग्रामर्स उसको हैंडल करता है, किसको, एक्सेप्शन को। दिस इज डन बाय राइटिंग एडिशनल कोड इन प्रोग्राम टू गिव प्रॉपर मैसेज और इंस्ट्रक्शन टू द यूजर ऑन एनकाउंटरिंग एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है कि ये किसके द्वारा किया जाता है, राइटिंग एडिशनल कोड एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए,
आपको क्या करना पड़ता है, कुछ एडिशनल कोड लिखना पड़ता है प्रोग्राम में टू गिव प्रॉपर मैसेज, एक प्रॉपर मैसेज दिया जाएगा या फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा अगर एक्सेप्शन वहां पे इनकाउंटर किया जा रहा है तो। और इसी को क्या बोलते हैं, यही जो आपको मैंने बताया उसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्या जरूरत है इसका। अब ये बात करते हैं अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग के, ठीक है, तो ये ना सिर्फ पाइथन में, इसका यूज आप जावा में भी होता है, C++ में भी होता है, रूबी में भी होता है, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज ए यूजफुल टेक्निक दैट हेल्प्स इन कैप्चरिंग रन टाइम एरर, ये एक यूजफुल टेक्निक है जो किसमें हेल्प करता है, रन टाइम एरर को कैप्चर करने में एंड हैंडलिंग देम सो एज टू अवॉइड प्रोग्राम गेटिंग क्रैश, सिंपली प्रोग्राम को क्रैश से बचाने के लिए, रन टाइम एरर को कैप्चर करेगा और प्रोग्राम को क्रैश से अवॉइड करेगा या बचा देगा, ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एक्सेप्शन एंड देयर हैंडलिंग, एक्सेप्शन और उनके हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे पहला पॉइंट कहता है कि पाइथन कैटेगोराइजेस एक्सेप्शन इनटू डिस्टिंक्ट टाइप, पाइथन जो है सो एक्सेप्शन को अलग अलग टाइप में क्या करता है, कैटेगोराइज करता है, ताकि क्या हो, स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलर कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच टाइप, एक स्पेसिफिक एक खास एक्सेप्शन हैंडलर जो है सो हर टाइप के लिए क्रिएट हो जाए, इसके लिए पाइथन क्या करता है अलग अलग टाइप्स में कैटेगोराइज कर देता है एक्सेप्शन को, ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्लियर है। नेक्स्ट अगला है आपका, एक्सेप्शन हैंडल्स सेपरेट द मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड, देखिए एक्सेप्शन हैंडलर जो है वो सेपरेट करता है किसको किसको, मेन लॉजिक ऑफ प्रोग्राम यानी कि जो प्रोग्राम का मेन लॉजिक है और एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन से जो मेन लॉजिक है उसको सेपरेट कर देता है, ठीक है, दो चीज इसमें ध्यान रखना है क्या, एक मेन लॉजिक और एरर डिटेक्शन, तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन से मेन लॉजिक जो है प्रोग्राम का उसको सेपरेट करता है कौन, एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन केस द एक्सेप्शन हैज अकर्ड इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर ब्लॉक, अब कोड जो कि एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है, द कोड जो एग्जीक्यूट होगा या फिर किया जा रहा है इन केस ऑफ एक्सेप्शन हैज अकर्ड, मान लीजिए कि उस कोड में कुछ एक्सेप्शन आ गया है, कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर दिया गया है, तो उसको कहां रखा जाता है, वो अदर ब्लॉक के अंदर में रखा जाता है, जो अनदर ब्लॉक है वहां पे उसके अंदर में इसको रखा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि द कंपाइलर और इंटरप्रेटर कीप्स ट्रैक ऑफ एग्जैक्ट पोजिशन वेयर द एरर हैज अकर्ड, और कंपाइलर इंटरप्रेटर जो होता है इसका काम ही यही होता है कि जहां गलती होता है उसको ट्रैक करने का, ठीक है, और किस जगह पे हो रहा है, वहां जहां पे एरर आ रहा है उस जगह को ट्रैक करने का, ठीक है, क्लियर है बात। और लास्ट पॉइंट कहता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी डन फ्रॉम बोथ यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन एक्सेप्शन, ये तो ऑब्वियस ही बात है, हमने पहले भी पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी होता है और बिल्ट इन एक्सेप्शन के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई नीड की, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्रोसेस क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग के उस पे आते हैं हम लोग, ठीक है, उसके पहले ये वाला पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ए रन टाइम सिस्टम रिफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन द प्रोग्राम, जो आपका रन टाइम सिस्टम है वो क्या होता है, रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, वो किसको रेफर करता है, स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को रेफर करता है जो कि प्रोग्राम में दिया हुआ है, ये कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके बारे में, रन टाइम सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन पे, तो व्हेन एन एरर अकर्स, जब कोई भी एरर आता है तो पाइथन इंटरप्रेटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या होता है कि पाइथन इंटरप्रेटर जो है सो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको। दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एरर, और वो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन,
टाइप के बारे में, फाइल नेम के बारे में, और उसके पोजीशन कहाँ है प्रोग्राम में शो, वेयर द एरर हैज अकर्ड, कहाँ पे एरर अकर हुआ है, वहां के पोजीशन को, फाइल नेम वगैरह को, सबका इंफॉर्मेशन वो होल्ड करता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज हैंडेड ओवर टू द रन टाइम सिस्टम सो दैट इट कैन फाइंड अ एप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल दिस पार्टिकुलर एक्सेप्शन। और इस ऑब्जेक्ट को हैंड ओवर किया जाता है किसको, रन टाइम सिस्टम को। रन टाइम सिस्टम क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस ऑब्जेक्ट को यानी कि एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंड ओवर किया जाता है किसको, रन टाइम सिस्टम को, ताकि वो ये पता लगा सके, वो फाइंड आउट कर सके कि जो एप्रोप्रिएट कोड है पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए वो हैंडल हो रहा है या नहीं, जो एप्रोप्रिएट कोड है वो हैंडल किया जा रहा है या नहीं फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडिंग इट ओवर टू द रन टाइम सिस्टम इज कॉल्ड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। यहां तक तो पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। ये एक प्रोसेस है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का और रन टाइम सिस्टम को हैंड ओवर कर देने का। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रोइंग एन एक्सेप्शन बोलते हैं ना, कि एक्सेप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे होता है थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन फेंक रहा है, लेकिन यहाँ पे फेंकना नहीं होगा, सिंपली यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, हिंदी पे नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, थ्रोइंग ये टर्म आप ध्यान में रखेंगे, क्या थ्रोइंग एन एक्सेप्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडिंग इट ओवर टू रन टाइम सिस्टम, दैट्स इट। द रन टाइम सिस्टम सर्चेज द इंटायर प्रोग्राम फॉर अ ब्लॉक ऑफ कोड कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलर। देखिए रन टाइम सिस्टम क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को सर्च करता है, सर्चेज द इंटायर प्रोग्राम फॉर अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड के लिए पूरे इंटायर प्रोग्राम को सर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर, दैट कैन हैंडल द रेस्ट एक्सेप्शन। और ये जो एक्सेप्शन रेज किया गया है उसको क्या करता है, ये हैंडल करता है, ठीक है। इट फर्स्ट सर्चेस फॉर द मेथड इन विच द एरर हैज अकर्ड। ये सबसे पहले क्या करता है कि उस पार्ट को सर्च करता है, ठीक है। इट सर्चेस फॉर द मेथड, उस मेथड को सर्च करता है जिसमें एरर आ रहा है। एक्सेप्शन हैंडल क्या करेगा, सबसे पहले उस मेथड को सर्च करेगा जहां पे एरर आ रहा है, एंड द एक्सेप्शन हैज बीन रेज्ड, और जहां पे एक्सेप्शन रेज भी किया गया है उसको भी ये सर्च करेगा, और यदि नहीं मिलता है, इफ नॉट फाउंड देन इट सर्चेस द मेथड फ्रॉम विच दिस मेथड वाज कॉल्ड। और अगर मान लीजिए कि ये नहीं मिलता है तो फिर किसको सर्च करेगा, ये फिर वो उस मेथड को सर्च करेगा जिसके द्वारा कॉल किया गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो दिस इंटायर लिस्ट ऑफ मेथड इज कॉल्ड कॉल स्टैक। आप ये डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे, और जो भी अभी ऊपर में बात किया हम लोगों ने, जो पूरे इंटायर लिस्ट ऑफ मेथड है, मेथड के पूरे लिस्ट को क्या बोलते हैं, कॉल स्टैक बोलते हैं। व्हेन अ सुटेबल हैंडलर इज फाउंड इन द कॉल स्टैक, जब कोई भी एक सुटेबल हैंडलर कॉल स्टैक में मिलता है, इट इज एग्जीक्यूटेड बाय रन टाइम प्रोसेस, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, रन टाइम प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सुटेबल हैंडलर इज नोन एज कैचिंग द एक्सेप्शन। और यही प्रोसेस किस चीज का, एग्जीक्यूटिंग अ सुटेबल हैंडलर, जो सुटेबल हैंडलर जो हो रहा है आपका एग्जीक्यूट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैचिंग द एक्सेप्शन, ठीक है। पॉइंट क्लियर है यहां तक। अगला पॉइंट कहता है कि इफ द रन टाइम सिस्टम इज नॉट एबल टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन आफ्टर सर्चिंग ऑल द मेथड इन द कॉल स्टैक, देन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप। अब क्या होगा कि अगर रन टाइम सिस्टम Not able to find, अगर रन टाइम सिस्टम जो है सो appropriate exception को find out नहीं कर रहा है सर्च करने के बाद सारे methods में, तो उस केस में क्या होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है सो स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस थ्रू फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एरर एनकाउंटर्ड इन अ मेथड, एरर आएगा, फिर क्या होगा, फिर क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसके बाद एक्सेप्शन को रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों है, ठीक है, मतलब ये दोनों, ये क्या है, थ्रोइंग ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, एक्सेप्शन रेज के बाद क्या होगा कि रन टाइम सिस्टम सर्चेज फॉर एक्सेप्शन हैंडलर इन करेंट मेथड। इसके बाद क्या करेगा कि रन टाइम सिस्टम जो है वो सर्च करेगा एक्सेप्शन हैंडलर इन करेंट मेथड,
अगर मिलता है, इफ फाउंड, अगर मिलता है तो क्या होगा, एग्जीक्यूट द कोड, कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, कैचिंग एंड एक्सेप्शन। और यदि नहीं मिलता है, इफ नॉट फाउंड, तब क्या करेगा कि सर्चेस द मेथड इन कॉल स्टैक इन रिवर्स सीक्वेंस, सर्च करेगा मेथड को इन कॉल स्टैक इन रिवर्स सीक्वेंस, उल्टा सीक्वेंस में सर्च करेगा, ठीक है। अब यहां पे भी दो तरह कंडीशन है, फॉरवर्डिंग एंड एक्सेप्शन में हो जाएगा कि अगर मिल गया इफ फाउंड तो फिर एग्जीक्यूट होगा कोड, और अगर नहीं मिल पाता है, अगर सर्च नहीं कर पाता है सही से, अगर वो सर्च सही से नहीं कर पाता है तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया इतना अच्छे से? तो अब आगे चलते हैं कैचिंग एक्सेप्शन पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, कैचिंग एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है कि एन एक्सेप्शन इज सेड टू बी कॉट when a code that is designed to handle a particular exception is executed। simply बोले कि exception तब caught होता है, यानी कि catching तब होता है जब code जो कि design किया गया है एक particular exception को handle करने के लिए वो execute होता है। I repeat, exception is said to be caught, exception को caught तब माना जाएगा जब code जो कि design किया गया है एक particular exception को handle करने के लिए वो execute होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऊपर में हमने देखा क्या कि सर्चिंग फॉर मेथड, यहाँ पे सर्चिंग की बात हो रही है, तो देखा जाए तो एक तरह से यही पार्ट को बताया जा रहा है ऊपर में, ठीक है, समझ में आ गया। एक्सेप्शंस इफ एनी आर कॉट इन ट्राई ब्लॉक एंड हैंडल्ड इन द एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। जो आपका एक्सेप्शन है, अगर कोई एक्सेप्शन है उसको कहाँ कॉट किया जाएगा, ट्राई ब्लॉक में, और हैंडल कहाँ किया जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में, ठीक है। बात समझ में आ गया। While writing or debugging a program, debugging मतलब error find करना होता है, ठीक है ना। तो while writing or debugging a program, user might doubt an exception to occur in particular part of code. Obvious ही बात है कि जो भी programmer है कभी कभी डरा हुआ रहता है कि code हमारा execute होगा कि नहीं, उसमें कुछ error आएगा, आ भी सकता है, exception कुछ आएगा। तो वही बात है कि अगर आप कोई code लिख रहे हैं या फिर debug हो रहा है कोई भी program, तो यूजर जो है उसको डाउट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर पार्ट में एक्सेप्शन रेज हो जाए, ठीक है। सच सस्पिशियस लाइन, सच सस्पिशियस लाइन ऑफ कोड आर पुट इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक, और जिस पार्ट में कोड के जिस पार्ट में डाउट होता है उस सस्पिशियस लाइन ऑफ कोड को कहाँ रखा जाता है, ट्राई ब्लॉक में रखा जाता है। एवरी ट्राई ब्लॉक इज फॉलोड बाई एन एक्सेप्ट ब्लॉक, अगर ट्राई का यूज हो रहा है तो उसमें एक्सेप्ट भी लगेगा, ठीक है। द एप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल ईच ऑफ द पॉसिबल एक्सेप्शन आर रिटन इनसाइड एक्सेप्ट क्लॉज, और जो भी एप्रोप्रिएट कोड होते हैं टू हैंडल ईच पॉसिबल एक्सेप्शन, सारे पॉसिबल एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए वो कहां लिखे जाते हैं, एक्सेप्ट वाले में लिखे जाते हैं। जो डाउटफुल है वो आता है ट्राई में, और जो एकदम एप्रोप्रिएट वाला जो कोड है, एप्रोप्रिएट कोड, वो कहां आता है, वो आता है एक्सेप्ट, ठीक है। समझ में आ गया बात। While executing the program, if an exception is encountered, program execution के समय अगर कोई exception आता है, further execution of code inside try block is stopped. अगर execution के समय में कोई भी error आता है, तो आगे का जो execution होता है try block के अंदर, वो रुक जाता है आपका. And the control is transferred to accept block. Try में रुक जाएगा, तो transfer कहाँ हो जाएगा आपका? Accept block में. ठीक है? अब ट्राई एक्सेप्ट का सिंटेक्स देख लेते हैं। ट्राई है, फिर कॉलन है, प्रोग्राम में स्टेटमेंट यहां पे लिखा जाएगा, वेयर एक्सेप्शन माइट, अगर डाउटफुल जो लाइन है, सस्पिशियस लाइन है, वो आ जाएगा। फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्शन नेम, कोड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इफ एक्सेप्शन नेम एरर इज इनकाउंटर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंटेक्स। अब आइए इसको थोड़ा देखते हैं कोड के माध्यम से, यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। सबसे पहले क्या है, प्रिंट है प्रैक्टिसिंग फॉर ट्राई ब्लॉक। ट्राई न्यूमरेटर 50 दे दिया है, डिनोमिनेटर इंट में है, इनपुट इंटर द डिनोमिनेटर, कोसेंट क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से निकलेगा। प्रिंट कोसेंट, प्रिंट डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली। अब आता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या है, जीरो डिवीजन एरर, यानी कि डिवाइड किससे किया जा रहा है, जीरो से, डिनोमिनेटर है जीरो, नॉट अलाउड। प्रिंट ट्राई आउटसाइड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेप्ट में क्या लग गया आपका, इसमें लग गया आपका एक्सेप्शन नेम लग गया, क्या है, जीरो डिवीजन एरर है, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर को जीरो से भाग दिया जा रहा है, यानी डिनोमिनेटर पे जीरो बैठाया जा रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर पे के जगह पे जीरो लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोड,
ठीक है, इसी को पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ, जो भी हम आपको समझाए हैं उसी का पूरा थ्योरी पार्ट है कि हाउ एवर इफ यूजर वांट टू वैल्यू द डिनोम एस जीरो इन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्राई स्टॉप, वही होगा कि अगर यहाँ पे आप जीरो कर देंगे तो ट्राई स्टॉप हो जाएगा, एक्सेप्ट में आपको क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर है जीरो नॉट अलाउड विल बी डिस्प्लेड, वही बात है जो मैंने आपको बताया, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए उसको सेल में परफॉर्म करके भी बताया गया है, पहले आपको प्रैक्टिसिंग फॉर ट्राई ब्लॉक कर दिया है, फिर इंटर डिनोमिनेटर को क्या 12 एंटर कर दिया है, डिवीजन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया है, ठीक है। अब क्या किया कि जीरो कर दिया डिनोमिनेटर को, तो जीरो अलाउ नहीं है तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है, बस उसी को यहाँ पे सेल में दिखा दिया है, ठीक है। अब कहता है कि समटाइम्स अ सिंगल पीस ऑफ कोड माइट बी सस्पेक्टेड टू हैव मोर देन वन टाइप एरर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सिंगल पीस ऑफ कोड है उसमें एक से ज्यादा एरर भी आ सकता है, तो फॉर हैंडलिंग सच सिचुएशंस वी कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, तो इस तरीके से हैंडल करने के लिए सिचुएशन को मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगा देते हैं, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। जैसे अभी तक क्या पर है, ट्राई एक्सेप्ट एक बार पर है, तो हो सकता है तीन चार भी एक्सेप्ट लग जाए, ठीक है ना, तीन चार एक्सेप्ट भी लग सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका कोड क्या है, यूज ऑफ मल्टीपल एक्सेप्ट क्लॉज। पहला है कि प्रिंट क्या कराना है, हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शन ट्राई, ट्राई में वही पार्ट जो कहा गया है सो है, एक पहला एक्सेप्ट में है कि जीरो डिवीजन जो भी तक हमने पढ़ा है, और दूसरा क्या है वैल्यू एरर का कर दिया है। वैल्यू एरर में क्या है कि कोई भी इनप्रोप्रिएट वैल्यू वहां पे फिट कराया जा रहा है, ओनली इंटीजर शुड बी एंटर्ड, ये प्रिंट करा देना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे दो एक्सेप्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है यहां तक पॉइंट। यहाँ पे क्या है कि दो एक्सेप्ट का यूज किया जा रहा है। अब देखिए टू टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ऑब्वियस ही बात है कि क्या है यहाँ पे दो तरह का एक्सेप्शन है, क्या क्या, जीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर, जैसा कि ऊपर में हमने देखा है कि आर हैंडल्ड यूजिंग टू एक्सेप्ट ब्लॉक्स फॉर सिंगल ट्राई ब्लॉक, सिंगल ट्राई ब्लॉक है लेकिन दो एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज किया जा रहा है, व्हेन एन एक्सेप्शन इज रेज्ड, जब एक्सेप्शन को रेज किया जाता है तो अ सर्च फॉर मैचिंग एक्सेप्ट ब्लॉक इज मेड टिल इट इज हैंडल्ड, और जब अगर रेज किया जा रहा है एक्सेप्शन को तो उस केस में क्या होता है कि ए सर्च फॉर मैचिंग एक्सेप्ट, एक सर्च किया जाता है किसके लिए, एक्सेप्ट ब्लॉक को मैच कराने के लिए, इज मेड टिल इट इज हैंडल, जब तक हैंडल नहीं हो जाए तब तक वो एक्सेप्ट वाला चलता रहेगा, और यदि यदि नो मैच फाउंड, यदि मैच मिलता ही नहीं है उस केस में प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहां तक। एक पॉइंट और है इसमें कि इफ एन एक्सेप्शन इज रेज्ड फॉर व्हिच नो हैंडलर इज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, हाउएवर लगा हुआ है यहां पे, ऐसा भी होता है कि कभी कभी इफ एन एक्सेप्शन इज रेज्ड फॉर व्हिच नो हैंडलर इज क्रिएटेड, कोई हैंडल क्रिएट ही नहीं हुआ है उसके लिए अगर एक्सेप्शन रेज कर दिया जा रहा है प्रोग्रामर के द्वारा, देन सच एन एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड बाय एडिंग एन एक्सेप्ट क्लॉज विदाउट स्पेसिफाइंग एक्सेप्शन, तो उसमें एक्सेप्ट क्लॉज को ऐड कर सकते हैं बिना किसी एक्सेप्शन को मेंशन किए हुए, तो उसमें अगर बात करें इसमें तो क्या है सिंपली इसमें एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे लेकिन टाइप नहीं देखेंगे, सिंपली तो कंक्लूजन ये देखेंगे ना, एक्सेप्ट ब्लॉक तो बनेगा लेकिन उसमें टाइप हम नहीं देखेंगे, विदाउट स्पेसिफाइंग एन एक्सेप्ट, एक मिनट, विदाउट स्पेसिफाइंग एन एक्सेप्शन, पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया बात। तो आइए इसको देखते हैं कि यूज ऑफ एक्सेप्ट विदाउट स्पेसिफाइंग एक्सेप्शन, बिना टाइप को देखे हुए, बिना एक्सेप्शन को स्पेसिफाई किए हुए, आइए देखते हैं, यहां तक तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक्सेप्ट लगा हुआ है, यहां पे कुछ नहीं है, यानी कि सिंपली देखें तो बोले टाइप नॉट मेंशनड, यहां पे टाइप मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, ओप्स सम एक्सेप्शन रेज। अब इसी के बारे में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट यहां पे दे देगा कि सिंस इट इज नॉट कहां गया, हां, इफ द कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड द डिनोमिनेटर एंटर्ड इज जीरो, जीरो एंटर कर दिए तो हैंडलर क्या करेगा, जीरो डिवीजन एरर दे देगा,
मतलब उसके लिए सर्च करेगा, एरर तो नहीं देगा. सिंस इट इज नॉट प्रेजेंट द लास्ट एक्सेप्ट क्लॉज विदाउट एनी स्पेसिफाइड, जो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, विल बी एग्जीक्यूटेड. तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, और मैसेज क्या देगा, ऊप्स सम एक्सेप्शन रेज विल बी डिस्प्लेड, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है. इसको आइए सेल में देखते हैं. हैंडलिंग एक्सेप्शन विदाउट नेमिंग देम, इंटरनोमीटर जीरो, सम एक्सेप्शन रेज. ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ट्राई एक्सेप्ट एल्स. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था, इफ एल्स पढ़ा था ना, लेकिन अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है ट्राई एक्सेप्ट. तो हमने पढ़ ही लिया, अब इसके साथ साथ इसमें एल्स भी रहेगा, वो भी अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं. वी कैन पुट एन ऑप्शनल एल्स, ऑप्शनल एल्स लगा सकते हैं क्लॉज अलोंग विथ द ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज, वही तो हम पढ़ रहे हैं. ऑप्शनल एल्स को लगा सकते हैं, एन एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड इफ ओनली इफ एक्सेप्शन इज रेस्ड इन ट्राई ब्लॉक. ऑब्वियस ही बात है कि एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट कब होगा, जब ट्राई ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन रेज होता है तब. ये मैंने फर्दर पहले भी आपको बताया था. ठीक है, बट इफ देयर इज नो एरर देन नन ऑफ एक्सेप्ट को एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. और अगर एरर कुछ नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या है कि जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. ये भी कॉमन सेंस वाली बात है. इन दिस केस द स्टेटमेंट इन साइड द एल्स क्लॉज विल बी एग्जीक्यूटेड. और इस केस में क्या होता है कि स्टेटमेंट एल्स के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. यदि ट्राई भी काम नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट भी काम नहीं कर रहा है, तो एल्स काम करेगा. कहने का यही मतलब है. आइए देखते हैं एल्स का यूज. देखिए अब ये सब हम क्या बताएं आपको, यहां तक तो हम लोग देख ही लिए हैं, यहां तक तो देख लिया है ना. पिछला जो देखे थे उसमें वैल्यू एरर नहीं था, लेकिन उसके पहले वाला जो कोड देखे उसमें वैल्यू एरर था. मतलब इनअप्रोप्रिएट वैल्यू को डाला गया है तभी तो वैल्यू एरर आया है कि नहीं. तो यहां तक हो गया. इसके बाद क्या लग गया, आपका एल्स लग गया. एल्स में क्या है कि द रिजल्ट ऑफ डिविजन ऑपरेशन इज कोसेंट. ठीक है, यहां भी काम नहीं हो रहा है, यहां भी काम नहीं हो रहा है, तो ये काम करेगा है कि नहीं. अब आइए आउटपुट देखते हैं. जो ये बिल्डिंग हो रहा है, डिनोमिनेटर को 5 कर दिए तो डिविजन परफॉर्म सक्सेसफुली हो जाएगा और रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ऑपरेशन इज 10.0. क्यों, क्योंकि कोसेंट वही कोसेंट यहाँ पे आपको मिल गया. ठीक है, पॉइंट क्लियर है, पूरा समझ में आ गया. तो अब हम मूव करते हैं फाइनली क्लॉज पे, जो कि एक क्या है, ऑप्शनल क्लॉज है. ठीक है, द ट्राई स्टेटमेंट इन पाइथन कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल फाइनली क्लॉज. जो आपका ट्राई स्टेटमेंट होता है पाइथन में, उसमें आपका ऑप्शनल फाइनली क्लॉज हो सकता है. ठीक है, द स्टेटमेंट इन साइड द फाइनली ब्लॉक आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड इन ट्राई ब्लॉक और नॉट. आसान भाषा में बोले तो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा, रिगार्डलेस सब लगा हुआ है, फाइनली ब्लॉक आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड. बात क्लियर है कि नहीं. लिख भी दें क्या यहाँ पे, ज्यादा आपको टफ लग रहा है तो यहाँ पे लिख भी देते हैं सिंपल बनाने के लिए. ट्राई ब्लॉक एकदम देसी भाषा में लिख देते हैं, ट्राई ब्लॉक चले या ना चले. अब इससे देसी क्या लिखे, चले या ना चले, लेकिन फाइनली चलेगा. फाइनली क्या है, ये ब्लॉक की बात हो रही है. फाइनली मतलब वो फाइनली नहीं समझ आइएगा, फाइनली ब्लॉक की बात हो रही है. ठीक है, तो क्या होगा, फाइनली आपका चलेगा. ठीक है, क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं अगला पॉइंट. इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज फाइनली क्लॉज. कॉमन प्रैक्टिस है व्हाइल वर्किंग विद फाइल्स टू इंश्योर दैट फाइल ऑब्जेक्ट इज क्लोज. बस सिंपली इसका यूज जो है नॉर्मली हम लोग करते हैं फाइनली क्लॉज का यूज कब, जब फाइल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, फाइल के साथ जब हम लोग काम कर रहे हैं टू इंश्योर फाइल ऑब्जेक्ट इज क्लोज. ये चीज को इंश्योर करने के लिए, इस चीज की सियोरिटी के लिए कि जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट है वो क्लोज हो गया है. इफ यूज्ड फाइनली शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट एंड ऑफ ट्राई क्लॉज. अगर यूज किया जा रहा है फाइनली को तो ट्राई के एंड में यूज करेंगे, आफ्टर ऑल एक्सेप्ट ब्लॉक एंड द एल्स ब्लॉक, एक्सेप्ट और एल्स ब्लॉक के बाद. ठीक है, आइए देखते हैं इसको, यूज ऑफ फाइनली क्लॉज. यहां तक हम लोग देख लिए हैं, प्रिंट यहां तक पिछला
कोड में देख लिए, इसके बाद क्या लगा देना है, फाइनल लगा देना है और ओवर एंड आउट, ठीक है। यहां तक तो एल्स तक तो आप समझ ही गए हैं ना, उसके बाद क्या लगाना है, मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया ऊपर में, इफ यूज फाइनली शुड ऑलवेज प्लेस्ड एट एंड ऑफ ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक के एंड में होगा एंड आफ्टर एक्सेप्ट एंड एल्स, ट्राई के एंड में, एक्सेप्ट और एल्स के बाद में, तो फाइनली यहां लग गया, ठीक है। एकदम तोड़ तोड़ कर हम आपको समझा रहे हैं, इससे तोड़ कर कोई क्या ही समझाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें क्या है, यही बात इसमें लिखा हुआ है कि द मैसेज ओवर एंड आउट विल बी डिस्प्लेड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एंड एक्सेप्शन इज रेस्ड और नॉट, जो आपका फाइनली में प्रिंट हुआ है ओवर एंड आउट वो डिस्प्ले होगा, वो एक्सेप्शन रेज हो ना हो उससे मतलब नहीं है, वो होगा ही होगा, ठीक है, यानी कि डिस्प्ले करेगा ही करेगा, कहने का ये मतलब है। अगला है कि रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विथ फाइनली क्लॉज, अगला क्या है, रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विथ फाइनली क्लॉज के साथ जो कंटिन्यूएशन है उसकी बात हो रही है, ठीक है। If an error has detected in try block, अगर try block में कोई error आ रहा है and the exception has been thrown, और exception भी throw हो रहा है, the appropriate except block will be executed, जो appropriate except block है, except block जो simply कहा जाए, वो execute होगा किस चीज के लिए, error को handle करने के लिए, ठीक है। अगर इस line को हम फिर से repeat कर देना है, अगर try block में कोई error detect हो रहा है और एक्सेप्शन भी थ्रो हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि एप्रोप्रिएट एक्सेप्ट ब्लॉक, यानी कि कंप्लीटली जो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा एरर को हैंडल करने के लिए। आई होप ये लाइन आप समझ गए होंगे। इफ द एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल्ड बाय एनी ऑफ द एक्सेप्ट क्लॉज, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्सेप्शन जो है सो एल्स क्लॉज हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, इट इज रीरेज्ड, इसको रीरेज किया जाएगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनली ब्लॉक, मतलब एक्सेप्ट के बाद तो फाइनली में ही पहुंचेगा, लेकिन फाइनली के बाद इसको रीरन किया जाएगा अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है एक्सेप्शन सही से, तो बात समझ में आ गया है। जैसे एग्जांपल नीचे भी है, हाँ, इससे भी एक प्रोग्राम इसमें दिया हुआ है, प्रोग्राम 1.4 कंटेन्स ओनली द एक्सेप्ट ब्लॉक फॉर जीरो डिविजन एरर, इफ एनी अदर टाइप ऑफ एरर अकर्स फॉर विच देयर इज नो हैंडलर कोड डिफाइंड, देन Also the finally clause will be executed first. बात समझ में आया? अगर if any other type of error occurs, अगर कोई दूसरा type of error आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए there is no handler code, जिसके लिए कोई handler code नहीं है, except clause defined, then उस केस में क्या होगा कि finally clause आपका execute हो जाएगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि finally clause आपका execute हो जाएगा। अब आइए इससे रिलेटेड देखते हैं, ऐसे तो इसमें क्या ही बताए, तो पूरा हम डिस्कस कर ही लिए हैं यहाँ तक। फाइनली क्या प्रिंट हो रहा है, ओवर एंड आउट प्रिंट हो रहा है, इसमें जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द अबव कोड वी इंटर अ नॉन न्यूमेरिक डेटा एज इनपुट, ऊपर वाले कोड को एग्जीक्यूशन के समय हम लोग क्या एंटर किए हैं, नॉन न्यूमेरिक डेटा किए हैं एज अ इनपुट एंटर, द फाइनली ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, उस केस में क्या हो रहा है कि फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, जो ओवर एंड आउट वाला है ना वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। देयर आफ्टर द एक्सेप्शन फॉर व्हिच हैंडलर इज नॉट प्रेजेंट, अगर हैंडलर प्रेजेंट नहीं है उस एक्सेप्शन के लिए, विल बी रीरेज, क्या हो जाएगा, रीरेज किया जाएगा, वही बात जो पहले मैंने आपको बताया। जैसे देखिए यहाँ पे प्रैक्टिसिंग फॉर फाइनल ट्राई ब्लॉक है, इंटर द डोमिनेटर वी ए आर, अब वी ए आर दे दिया, फिर क्या हो जाएगा, ओवर एंड आउट, और आपको वैल्यू एरर आ जाएगा, क्योंकि वी ए आर से क्या समझेगा कोई, नहीं समझेगा, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगा आपको। पॉइंट क्लियर है, क्लियर है ना, मतलब यहां तक तो हो गया ना, इसके बाद क्या हो जाएगा कि प्रॉपर एरर शो करेगा, प्रॉपर एरर शो करेगा, ठीक है। आइए एक दो लाइन और है उसको भी देख लेते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के बाद पाइथन क्या करता है कि ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू प्रीवियसली इंटर्ड ट्राई, अब पाइथन क्या करता है कि ट्रांसफर द कंट्रोल, कंट्रोल को जो है सो प्रीवियसली इंटर जो ट्राई था उसको ट्रांसफर कर देता है, या फिर द नेक्स्ट हायर लेवल डिफॉल्ट ऑपरेशन, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर्स, या फिर या तो वहां पे ट्रांसफर करेगा ट्राई के पास, और नहीं तो नेक्स्ट हायर लेवल डिफॉल्ट, जो अगला हायर लेवल डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है ना उसके पास वो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इन सच केस, तो इस केस में क्या होता है कि द स्टेटमेंट फॉलोइंग द फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, जो स्टेटमेंट फाइनली ब्लॉक को फॉलो कर रहा है सही से,
जो फॉलोइंग है, फॉलो कर रहा है, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज अनलाइक एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट के जैसा नहीं है। एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनली क्लॉज डज नॉट टर्मिनेट, फाइनली वाला कभी टर्मिनेट नहीं होता। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, डज नॉट टर्मिनेट द एक्सेप्शन, ठीक है। रेदर द एक्सेप्शन कंटिन्यूज टू बी रेस्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका बात किसका, रिकवरिंग एंड कंटिन्यू विद फाइनली क्लॉज की बात हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका कुछ समरी दिया हुआ है, वो समरी को भी आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। पॉज कर करके आप समरी को भी एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। जो हमने चर्चा किया है उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जितना भी हम आपको बात बताए हैं, जितना भी चीज समझाए, उसको उम्मीद करते हैं कि आप उसको ध्यान से समझ गए होंगे, आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी भी फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, अगर कोई भी परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में बिना किसी टेंशन के पूछिए, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को आप एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो फिर अगला क्लास में इसका MCQ आएगा, उसके लिए आप रेडी रहेंगे। पहले अच्छे से पूरा थ्योरी को पढ़ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर आप MCQ उसके लिए आएंगे, क्योंकि अगला क्लास में इसका MCQ आने वाला है, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक शेयर तो कर ही दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।